Hey guys, आज मैं आपको सिखाऊंगी छोले भटूरे बनाने की रेसिपी। बॉईल काबुली चना ले लिया था मैंने, मसाला ले लिया थी, फिर लिया था मैंने धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी, अमचूर पाउडर, नमक और ले लिया था तेज पत्ता, हींग, जीरा, बड़ी इलायची और लौंग। प्याज का पेस्ट ले लिया था मैंने और टमाटर का पेस्ट। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर डाला ऑयल और उसके अंदर अपने सारे मसाले डाल दिए थे, गरम मसाले, तेज़पत्ता, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था प्याज का पेस्ट और इसको अच्छे से भून लिया था ताकि इसकी सारी कचैन निकल। प्याज का पेस्ट अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे मसाले जो मैंने पहले लिए थे और उसको भी अच्छे से भून लिया ताकि इसकी सारी स्मेल चली जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले भून गए थे तो उसके अंदर मैंने डाला टोमेटो का प्यूरी और फिर इसको अच्छे से चला के इसको भी भून लिया। आगे भूनने के बाद हमारे छोले का मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। तो फिर मैंने इसके अंदर बॉयल काबुली चना को ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला चाय की पत्ती का पानी फॉर कलर और इसको अच्छे से चलाया और लिड ऑफ करके इसको कुक होने की छोड़। कुक हो गए थे, इसके अंदर तीरा भी आ गया था हमारे छोलों के अंदर, तो मैंने इसके अंदर बॉयल आलू ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मसाले मिक्स कर लिया ताकि आलू के सारा मसाला चिपक जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड ऑन कर दिया और फिर उसके बाद थोड़ा सा पकाया और देखिए हमारे छोले बनके बिल्कुल तैयार हैं। चलते हैं अपनी डो की तरफ। सबसे पहले ले लिया था मैंने मैदा और घी और ले लिया था दही और ले लिया था रवा। सबसे पहले एक बड़े बोल में मैंने मैदा डाल दिया था, उसके अंदर सूजी, दही और इसके अंदर डाला था घी और डाल दिया था मैंने सोडा, बेकिंग सोडा और सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने इसको बाइंड कर लिया था अच्छे से और फिर अपने डो को रेस्ट पे छोड़ दिया था और डो हमारा इस तरह दिख रहा था। मैंने तो कम डो बनाया था और आप चाहें जितना भी बना सकते हैं। इस तरह मैंने इसको गोल कर लिया था, इसका पेड़ा बना लिया था और इसको बेलन की मदद से बेल लिया था। बेलने के बाद मैंने ऐसे बेला था इसको, फिर मैंने ऑयल हीट हो रहा था उससे उसके अंदर मैंने डाल दिया अपना भटूरा और देखिए मेरा भटूरा कितना गोल गोल परफेक्ट फूल कर आ रहा है, एकदम लग रहा है ना बाजार वाला। और हमारे छोले भटूरे बनके तैयार हैं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए मेरे चैनल पर कुकिंग विद निम्मो।